शासन के निर्देश के अनुसार प्रशासन द्वारा हर मंगलवार को आवेदकों की समस्या सुनी जाती है और उन पर निराकरण किया जाता है, जिसको लेकर हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज़िले के दूर दराज गाँव से लोग अपनी अपनी समस्या लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। आप क्या समस्या लेकर आई हैं यहाँ पर? सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे है ना गजानन प्रजापति आज मुझे परेशान करता रहता है। मेरी झूठी FI कटवा दी उसने कि मैंने उसके बेटे को उसको नदी पे मारा है, और उसने मुझे काफ़ी टाइम से चाप 2-3 साल हो गए जब से मेरे को ये परेशान कर रहे हैं। गजानन हरिजन एक्ट लगा हुआ है, उसने दवा बनाया, केस वापस ना लेने के ऊपर झूठा केस मंगाया। मेरी मम्मी पापा भी झूठा केस मंगवा दिया, आज उन परेशान करता रहता है। FI भी झूठी कटवा दी। मैं चाहती हूँ कि मेरी जांच की जाए कि मैंने कब उसके बेटे को मारा, कब मेरी FI झूठी कैसे FI कैसे कटवा दी। क्या नाम है आपका? मम्मी तक उसको कहाँ रहती हूँ पास के। तो पहले आपकी कोई लड़ाई वगैरह कोई रंजिशन थी क्या? कोई वो हमारी हरिजन एक्ट लगा हुआ है, उस पर केस उसके चक्कर में को दवा बना था कि केस वापस नहीं लिए, केस वापस ना लेने पर आए थे परेशान कर रहे हैं वो उसके बेटे। वो कई आवेदन दे दिए हमने थाने पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, वो हमें कुछ पता नहीं हुआ, हमारी झूठी FI नहीं। तो जन सुनवाई में आप पहली बार आई कि दूसरी बार आई? पहली बार आई हूँ सर। पहली बार आई? आवेदन तो मैंने जन सुनवाई में कई बार दी, जन सुनवाई में बस कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। इसी सब आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे न्याय मिले। अगर मेरी FI मैंने उसको पीछे कुछ किया तो मेरे को ना उसकी जांच बिठाई जाए कि मैंने कुछ उसके साथ कुछ क्या किया, तब नहीं किया मैंने। वो ये कह रहे हैं कि मैंने उसके बेटे को मारा है। मैंने मेरे पति ने जब ये हादसा हुआ 10 तारीख को मेरी भी नहीं थी और मेरे पति भी नहीं थे, और उसने ना हम दोनों के नाम से झूठी FI। आज आप यहाँ पर क्या समस्या लेके आए, क्या परेशानी है आपको जनसुनवाई में आप लेके आए हैं? बस 99 की रजिस्ट्री है, मैंने संगठन में कराई थी, और आज तक उनने कोई ब्लाट देता तो अनशन जगह पे बता देता, मालूम विवाद की स्थिति होती है, और जो आप कब्जा करते हैं तो वहाँ लड़ने वाले चार छः आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर खान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं तलैया मोहल्ला। कब लिया था आपने ब्लाट? 99 में सर जो मेरे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, कचरा है, कटोरी है, सब है। तो प्लाट नहीं नब्बा है? नब्बा था, गाड़ी कड़ी जगह बता किया जाता, वहाँ पर विवाद की स्थिति होती है, वहाँ पर कई बार लड़ाई होती है। तो आपने तहसील में दिया आवेदन? एक दो बार मैंने नहीं दिया था, पहले वो मैडम थी वहाँ पर दिया था मैंने, SDM मैडम ने पहले वो करा था, इसका प्लाट होगा उस टाइम पर दिया था, उस टाइम पर गाड़ी कड़ी जगह नब्बा के दे दिया था सर, उसकी जगह चार कई वो लड़ाई हुई सर, मैंने थाने में भी आवेदन दिया रखा जबकि मेरी कोई सुनवाई नहीं। अब क्या मांगे आप? मेरी ये है कि प्रशासन से मेरा प्लाट सही जगह पर प्लाट दिया जाए, कोई विवाद की स्थिति ना हो, लड़ाई बढ़ाई वाले अब आदमी है नहीं है सर। ओके, आप क्या समस्या लेकर आए हो, क्या है आपकी? सर, मेरा मकान खाली नहीं हुआ है, केस जीत चुका हूँ, तब भी क्या पढ़वा रही हूँ, फंसे में बनवा दी थी। अच्छा, कहाँ से आए हो? कई आवेदन धरावला ग्राम धरावला तहसील बनेगी कप्पा बने। एक दो पहले भी आए जन सुनवाई के? 2-4 बता, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, क्या समस्या लेके आए? मेरे भाई की मृत्यु हुई थी कुएं के पानी में डूबने के कारण। उसे नीचे कर लो पानी में डूबने के कारण, लेकिन तहसीलदार कई बार 3 साल से परेशान आवेदन देता आ रहा हूँ, परंतु आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का आवेदन देता हूँ, परंतु निरस्त करने का प्रतिवेदन अनुभागीय अधिकारी को निरस्त करने का ही देता है, पर मेरी सुनते नहीं हुई। मैं कलेक्टर की कई बार कलेक्टर में आवेदन दे चुका हूँ, परंतु 3 वर्ष से मेरी समस्या का कोई हल नहीं करता। कहाँ रहते हो आप? नानीपुरा रहता हूँ। नानीपुरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू शिकारी है। मैं आर्थिक सहायता का आवेदन अभी भी दिया था, तहसीलदार ने पूर्व में भी खारिज कर दिया। क्या समस्या लेके आओ, कहाँ से आयो? मैं देवखेल ग्राम से आया हूँ साहब। मेरी जमीन पटवारी ने गलती से मुझे कुछ पता नहीं है, 1 बीघा घूमन के खाते में कर गई, वहाँ तहसीलदार के सामने मैं भी रहा, और तहसीलदार साहब से कही कि जमीन इस के खाते में का तो गलती से पटवारी कर गई, तो आज तक मेरी कोई जमीन वापस नहीं कर दिया, इसलिए मैं समस्या लेके आया हूँ। अच्छा, इससे पहले भी दिया था आपने आवेदन, क्या कहाँ है आपकी जमीन? बेरखेड़ी में। बेरखेड़ी में जी। तो कोई परेशान कर रहा है आपको? परेशान
कोई नहीं कर रहा, पटांगन में पटांगन नहीं हो रहा, नहीं पटांगन में गलती से पटवारी ने उसके खाते में कर दी उसकी गलती। यही मांग लेके आए आप? और यही लेके आए। अगल बना घूम जाओ जीते क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू केवट है। कहाँ से आए हो? डेरी कोर्ट से। क्या है आपकी समस्या? मेरी समस्या ये है कि मेरे पिताजी की जमीन है, इस पर अतिक्रमण है, जिसका फैसला आरोन कोर्ट से गुना कोर्ट, पंचम न्यायालय कोर्ट, गुना हाई कोर्ट और तहसीलदार साहब कहाँ से, SDM साहब कहाँ से, कलेक्टर साहब कहाँ से मेरे पक्ष में हुआ है, जिसका आज तक कोई सुनवाई नहीं है। मैडम केस चलाते हैं SDM मैडम आरोन, जो भी पैसा लेके और देश को घुमा देती हैं। सर 1.5 साल हो चुकी है, मेरी 2 फसलें कटवा दी, उनका पूरा मेरे पास विवरण रखा है, जो भी मैंने लिखा है उसकी ऑर्डर शीट है मेरे पास, लेकिन केस में कुछ और कर रही है और वैसे कुछ और कर रही है, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा जी सर, और मेरे पास पूरे ओरिजिनल कागज़ हैं 7 कोर्ट के, जो कि आज तक वो भाई देख लो आप, पूरा कलेक्टेड देख लो, ओरिजिनल कागज है इसमें, हाई कोर्ट आरोन कोर्ट गुना कोर्ट पंचम न्यायालय कोर्ट गुना हाई कोर्ट के कमिश्नर साहब ग्वालियर, कलेक्टर साहब, SDM साहब आरोन के, पूरे कोर्ट के कागज मेरे पक्ष में है, मेरे नाम जमीन है, जो कि मैडम ने पहले के SDM है तो उनने एक आरोपी पकड़ लिया था, इनने उसको छोड़ दिया और बोली कि मका कटने के बाद मैं तुमको दिलवा दूंगी, लेकिन मका कट गई और अब गेहूँ भी उग गया, अभी तक कोई निराकरण नहीं है। ये अब क्या मांग ले क्या रहे हैं? अब मैं तो कब्जे की कह रहा हूँ कि साहब मेरा कब्जा मुझे दिला जाए। जैसे अभी आपका यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, तो अभी आपके समस्या आपका द्वार निराकरण चल रहा है न्यायालय का, तो आप न्यायालय में नहीं जा रहे? न्यायालय सब काम में सबने से घूमया हूँ, नहीं अभी वो हल्का हल्का काम करवाएंगे आपको, शिविर चल रहा है उनका। क्या था? अभी शिविर लग रहा है, समाधान आपके द्वार, आप वहाँ आवेदन कीजिए। सबने देना है सर, अब तो मुख्यमंत्री जी बता रहे बाकी कोर्ट में सबने कर दो, जिनमें 50-50 बेड दे सको। तो आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हो? अब मैं तो यही कह रहा हूँ, न्याय हो जाए, अकेले ये हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी, जिसके पक्ष में हो कागज उसके में हो जाए, अपने बेईमानी कोर्ट से नहीं करना, जबकि अपन का 7-8 कोर्ट के कागज जो अपने हैं उन्हें जो मैडम क्या था हाईकोर्ट को भी नहीं समझ नहीं मिल रहा हाईकोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत अहिरवार है। क्या समस्या लेके आए? हमारे गांव में DP जो NTPC की वो लेती है ना DP, उसकी समस्या है, एक DP है उसमें कनेक्शन 45 लगभग हरिजन मोहल्ला है, पूरा परेशान है, 3 महीने से अंधेरे में पड़े हुए हैं। हम ग्राम भूसिया तहसीलदार जिला गुना से आए, हम सब लोग इकट्ठे होकर आए। तो क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन? हमारी मांग ये प्रशासन से कि DP दूसरी रखी जाए, उस ठीए पे नहीं, वो अलग ही रखी जाए, हमारे मोहल्ला में हरिजन मोहल्ला में 15-20 कनेक्शन अलग ही हो जाए, तो और क्या। आप लोग बिल जमा, लाइट वगैरह का बिल जमा करते हैं कि नहीं? करते हैं हम, करते हैं हाँ। पानी की समस्या भी, और हमारे गांव में नल पूरे बिगड़ चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं। तो आपके गाँव के जनप्रतिनिधि सरपंच वगैरह से बात नहीं करी आप लोगों ने? अरे कोई नहीं सुनता है हमारी तो, कोई नहीं सुन रहा, नहीं सुनता है। कितने जने हैं टोटल गाँव में? गाँव में तो होंगे 10-20 घर हैं, और भी हैं। सभी की समस्या है कि आप लोगों की समस्या है? सभी की समस्या ही है, 20 घर को परेशानी ज़्यादा है, 20 घर परेशानी ज़्यादा है, क्या पानी इधर उधर से ला रहे हैं, बिजली है ना पानी, ना बिजली है ना पानी, कोई नहीं सुनता है, कोई मिला कर मोहल्ला में, इसीलिए हमारा हो गया।
क्या है अभी करवाई, क्या है परेशानी? सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, सरपंच भूल सिंह, उनका भाई निकम सिंह, निकम सिंह भतीजा राजा राम बलराम जितेंद्र जी ने 25 बीघा चंदोई से जमीन में कब्जा कर लो। कब्जा करने के बाद में मैं उनसे कहने के लिए गया कि जहाँ गौशाला बनवाना है ये मुझे सीखने के लिए आए, और मैंने 2019 से बहुत आवेदन दे चुका हूँ। अब क्या मांगे आप लोगों ने? हम नहीं बोल रहे हैं तो हम जो हो रहे हैं तो उसमें सरकारी खाली करवाई जाए चंदोई, हम गौशाला बनाने के लिए तैयार हैं। और तेजिल के बाबू मिले हुए हैं, उनसे कहीं से ले लेते हैं, तेजिलदार को कहीं से ले लेते हैं, और उन्नीस सौ नौ आपके लिए भी आए। हम पीएम आवास की 2 बार शिकायत कर चुके हैं, उसमें से बंदी बता रहे हैं हमारे सरपंच शिकायत। क्या समस्या है आपकी? जमीन के विवाद हो रही है, जमीन पर कब्जा कर रखे हैं चिंटूलाल मीना और अलपुरा मीना। कहाँ पे, कहाँ के रहने वाले आप? चक्का सोनी पर जमीन है, कुमराज के रहने, कुमराज के रहने वाले हैं। तो क्या कब्जा कर लिया उन्होंने जमीन पर? कब्जा कर रहा है। कब से कर रखा है? 4 साल के करीब हो गई है। तो आपने आवेदन दिए थे पहले? कई बार आवेदन दे दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप कलेक्टर साहब से क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? हमारी जमीन पर कब्जे छोड़वा दें। अच्छा, कितनी बीघा जमीन है? 4 बीघा जमीन है। कब्जा कितने कर लिया? 3 बीघा। 3 बीघा पे। तो कोई आपके गांव के हैं क्या, कोई रिश्तेदार है, क्या है? वही गांव वाले ने बलपूर्वक कब्जा कर रहे थे। गांव वाले मीना है, पटवारी मीना। अच्छा, मीना है। पटवारी का कहता है? पटवारी तो पटवारी से आपने कहा होगा ना, परेशान क्या कह रहे हैं? वही कटवा दी। अच्छा, ये पर कोई पता नहीं है, कहाँ कोई पता नहीं है, पता कटवाया। क्या नाम है आपका? शेर सिंह नौनेरिया मेरा नाम है। कहाँ से आए हो? मैं उकाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ। क्या है आपको? मैं अतिथि शिक्षक हूँ, वर्ग 1 का इतिहास का टीचर हूँ। 10 जुलाई को मैं आवेदन कर चुका था प्रभारी प्राचार्य द्वारा, व्यक्तिगत रंजिश के कारण SMDC ने भेजी और पोर्टल पर नाम भी नहीं चढ़वाया। पिछले 5 माह से अभी तक कोई वेतन नहीं मिली है, और वेतन की बोलते हैं तो अब शब्दों से विधार किया जाता है। और उस स्कूल से अभी श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी जी ने आदेश निकाला है कि जहाँ पे कोई अगर टीचर आता है प्रमोशन में तो उसे कर दिया जाए। तो उस बारे में मैं ऐसे अभी है ना कार्यरत था तो हट गया हूँ, और अभी तक वेतन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही है कि मेरी जुलाई से लेके और जनवरी 7 जनवरी तक मैंने कार्य किया है और पढ़ाया है, और मैंने रजिस्टर में साइन भी किए हैं। विवादीय जांच की जाए, अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो मुझे वेतन न दी जाए, जबकि है ना पूरी तरीके से बच्चों को पढ़ाया है, रिजल्ट भी सही रहा है। ये सारी चीज़ें पैनल से हूँ, ये संकुल प्राचार्य मैडम और हमारे प्रभारी प्राचार्य द्वारा लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से ना टोटल पर नाम नहीं चढ़ा है। तो आपके अलावा और भी अतिथि हैं क्या? हाँ जी, है ना, अभी तक है ना एक श्रीमान राकेश रघुवंशी जी हैं, वो भी टूर पैनल के हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। और भी श्री ओम प्रकाश सर जी हैं, इसके अलावा सचिन सर भी हैं। जब आप शिकायत करते हैं तो उनका क्या कहना है? कुछ भी नहीं होता है उसमें। मैं कई बार DO साहब के पास शिकायत कर चुका हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत कर चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सब मिली जुली भगत है ऐसा, मतलब जहाँ भी जाते हैं विभाग में जाते हैं तो ऐसी कोई कार्रवाई करती नहीं। जैसे अगर यहाँ के प्रशासन नहीं सुन रहा
तो अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनसे को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद करता हूँ अगर ऐसा हो मेरा मानदेय मिल जाए 6 माह का, बहुत अच्छी बात है। बच्चे गरीब आदमी हूँ, इसके अलावा है ना मैंने कार्य भी किया है और 181 पर भी कॉल किया है, लेकिन है ना उसमें निराकरण डाल देते हैं, झूठा झूठा निराकरण डाल दिया जाता है, इस पर ना कोई कार्रवाई नहीं होती। बाबूलाल मीना, मैं समस्या रावण तहसील से आया हूँ। मेरी जो है ज़मीन सर्वे नंबर 25/5 है और कोमल मेर आदि की ज़मीन जो है, उसके 4-5 लड़के हैं, उनकी ज़मीन है 26 नंबर। उसमें तुम बताओ, उन्होंने जबरन अवैध तरीके से कॉलोनी काट दी, उसमें मेरी ज़मीन में उनने जबरन निर्माण कर लिया है। तुम बताओ जो, और मैं 2-3 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुका हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। पटवारी और उनको वो भगवान जाने क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, 7-8 लाख 9 लाख का प्लाट बिक जाता है, 7 लाख का, हमारा एक प्लाट चला जाए तू हमारा क्या कर लेगा, इस तरह धमकी देते हैं। और साहब कोई कर्मचारी मेरी सुनते नहीं, तुम बताओ मौके पर जाकर जाँच करते हैं, उनके पक्ष में लिख देते हैं और मेरे को जो है सही तरीके से कोई सुना ही नहीं जाता। पहली बात तो मुझे वो कभी जाँच मौके पर जाते हैं तो मुझे बुलाते ही नहीं है, और इसके बाद चुपचाप जाँच कर लाते हैं और लिख कर दे देते हैं, कार्रवाई शांत हो जाती है। बार बार इस तरह से हो रहा है। तो मैं अभी पेपर की कटिंग पढ़ के सुन के आया था, तुम बताऊँ कलेक्टर साहब जो अवैध निर्माणों को तोड़वाना चाहते हैं, अवैध कॉलोनियों को, तो फिर मैं आज आया और आके मैंने जो एक आवेदन दिया है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, मेरी यही बिना है। हाँ जी, बाबूलाल मीना मेरा नाम है और रावल तहसील का मैं रहने वाला हूँ, बेरखेड़ी रुठियाई का। हाँ, क्या नाम है आपका, आज जन सुनवाई में आप किस तरह की समस्या यहाँ पर लेके आए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? जी मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं मंदिर के विवाद के प्रति आया हूँ सर, और यहाँ पे क्या है कि मेरे जो कि मेरे पिताजी हैं, इनकी जो जगह भूमि है उनमें इनके चाचा जी के जो बालक हैं उनने 6 भाइयों ने 6 बांटे कर रखे हैं और मेरे पिताजी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है, और उसमें से बचा जो भी है वो ही खा रहे हैं और उसमें जीवन व्यापन कर रहे हैं, और ज़मीन को भी ठेके में जगह जगह राम जानकी और राधे कृष्ण का मंदिर है, भगवान की ज़मीन को भी ठेके में रख रखी है सर, और उठा करके हमारा तो कोई उसमें हिस्सा नहीं है, जब हम कहते हैं जब वो विवाद खड़ा कर लेते हैं। क्या आपको हिस्सा नहीं दिया? नहीं दिया सर, नहीं दिया सर। हमारे पिताजी भी 3 भाई हैं, इसमें से 22 बीघा जमीन है सर। हाँ जी, 22 बीघा में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया। हम जब भी उनसे बोलते हैं, जब विवाद खड़ा करते हैं, और क्या प्रशासन से ये मांग है सर हमारी कि इसमें से हमको भी हिस्सा दिलाया जाए तो हमारा भी पेट पालन हो सके गरीबों का। ये जामदेर के पास पचगुड़िया गांव। जी हाँ, आप समस्या क्या लेके आए हैं जन सुनवाई में, क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि मेरा आवास में नाम है 46वें नंबर पर, उसमें ना आज तक आवास का मुझे पैसा मिला, ना कोई राशि डलवाई गई, मैं सरपंच सेक्रेटरी से कह कर के थक चुका हूँ, पैसा मांगते रिश्वत, मैंने रिश्वत नहीं दी तो मेरे पैसे नहीं डलवा रहे, मेरी घरवाली के जो लाडली बहना है उसकी राशि नहीं मिल रही, मैंने कही वो लाडली बहना की जो फार्म भरे हो रहे थे आवास के, तो सेक्रेटरी बोले मनी वो क्या नाम होगा आपने सेक्रेटरी शर्मा नहीं अनिल शर्मा बोले कि तुम्हारा पीएम आवास में नाम है तो आपको ये आवास नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री वाला लाडली बहना वाला, और मेरे 3 बच्चे के नाम राशन पर्ची पर आज तक नहीं चला, ना शौचालय मिला, ना आवास मिला, ना मेरे बच्चे के नाम, ना कोई सरकारी योजना का लाभ मिला आज तक, मेरे पास 1 बीघा ज़मीन नहीं है, जिनके पास 100-100 बीघा 50-50 बीघा ज़मीन है उन्हें आवास मिले, शौचालय मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, जिनके पास कुछ नहीं उन्हें कुछ, आवेदन लेके आए थे साहब के पास नहीं है, वो बोल रहे हैं आज मुलाकात नहीं हो पाई, आवेदन उन्होंने रख लिया गुरुवार या शुक्रवार को। क्या नाम है आप? रतिराम यादव, ग्राम पंचायत करौस से। सर मेरी समस्या ये है कि जो सरकारी जो राशन मिलता है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, सरपंच सेक्रेटरी पैसे मांगते हैं जब पर्ची बना कर दें, तो राशन की पर्ची बनवाई है मेरी, श्रीमान जी से निवेदन है, मैं आवेदन देने के लिए आया था।
अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।